मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं, माना 5+√3 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको विरोधाभास के माध्यम से सिद्ध करेंगे। मानकर चलते हैं, माना 5+√3 एक परिमेय संख्या है। तो 5+√3 को a/b के इक्वल मान लेते हैं। माना a/b इक्वल टू 5+√3। 5 पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो a/b -5 = √3। क्योंकि हमने 5+√3 को एक परिमेय संख्या माना है और परिमेय संख्या a/b के रूप में लिखी जा सकती है, जहां a और b परस्पर सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं अर्थात a और b में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो a/b एक परिमेय संख्या है और 5 भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए a/b -5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जो कि √3 के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए a/b-5 भी परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए जो हम मानकर चले थे कि a/b एक परिमेय संख्या है, तो हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए हमारी कल्पना असत्य है। और जब हमारी कल्पना असत्य है, तो हम परिमेय मानकर चल रहे थे, इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 5+√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से पहला प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना दो संख्याएं क्रमशः x और y हैं। तो माना पहली संख्या x
और दूसरी संख्या y है। प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त कह रही है, पहली शर्त के अनुसार अगर देखें कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और कह रहा एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, पहली संख्या x दूसरी y, क्योंकि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यदि दूसरे को हम 3 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगी, ये हमारा समीकरण 2 बन जाता है। समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रख देंगे तो 3y-y इक्वल टू 26, या 2y इक्वल टू 26, या y इक्वल टू मिल जाएगा 26 अपान 2, सरल कर लिए 13, तो y इक्वल टू 13। इस y के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में मान रखने पर तो x इक्वल टू मिल जाएगा 3 × 13, 13 × 39। इस प्रकार से दोनों संख्याएं 39 और 13 प्राप्त हो जाती हैं। यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। इनको यदि हम जांच करके देखें, पहली शर्त कह रही थी दोनों का अंतर 26 है, तो 39 से 13 घटाएंगे तो 9 से 3 घटा 6, 3 से 1 घटा 2, यानी 26। जबकि देख रहे हैं कि पहली एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, 13 × 3 = 39। तो इस प्रकार से प्रश्न हल हो जाता है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना भिन्न x बटे वाई है, माना भिन्न यक्ष बटे वाई है। प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त कह रही कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश में 1 घटाएंगे तो अंश बन जाएगा x-1, हर वही है, और ये बराबर हो जाती है 1/3 के। अब इसमें हम तिर्यक गुणा कर दें तो 3x-3 इक्वल टू वाई, या 3x-y इक्वल टू 3, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। आप प्रश्न की दूसरी शर्त है, कह रहा ये 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न में अंश x और हर में कह रहा 8 जोड़ दिया जाए तो y+8 हर हो जाएगा, और ये भिन्न कह रहा 1/4 हो जाती तो बराबर 1/4 के कर देंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो 4x इक्वल टू y+8, या y पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 4x-y इक्वल टू 8, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। इक्वेशन नंबर 1 था 3x-y इक्वल टू 3। आप दोनों समीकरणों में देखें तो y का गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाएंगे
और घटाने में जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है, तो वाई का पद माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 4x से 3x घटाएं x इक्वल टू 8 से 3 घटाएंगे 5, इस प्रकार से x का मान 5 प्राप्त होता है। इस x के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर एक में मान रख देंगे, एक था 3x तो 3 इंटू एक्स के स्थान पर 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 या 5 और 3 का गुणनफल 15 माइनस 3 बराबर वाई, तो वाई बराबर मिल जाएगा 15 से 3 घटाएं, 15 से 3 घटाने पर 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भिन्न बनती है, भिन्न हमने x बटे y माना था जिसमें x का मान 5 मिला और y का मान 12, तो भिन्न 5 बटे 12 हो जाती है। आप जांच करते हैं, पहली शर्त थी 1 बटे 3 हो जाती है जब अंश में 1 घटा देते हैं। देखिए अंश 5 है, 1 घटाएंगे 4 मिलेगा, 4 तो 12 1 बटे 3 के बराबर हो जाएगी। और दूसरी शर्त में कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हर 12 है, 8 जोड़ देंगे 12 8 20, 5 चौको 20, तो 1/4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चूंकि दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या में हम दहाई और इकाई के अंक मानते हैं, माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y, तो संख्या इस प्रकार से बनती है, संख्या बराबर होगी 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इस प्रकार से संख्या तैयार करते हैं। अब प्रश्न की पहली शर्त है कि दो अंकों से बनी एक संख्या जो कि हमने बनाया 10x प्लस वाई एवं अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो संख्या है 10x प्लस वाई और अंकों को उलटेंगे तो x के स्थान पर y और y के स्थान पर x आ जाएगा, तो बन जाएगी 10y प्लस x और इन दोनों का योगफल कह रहा 66 है, दोनों को जोड़ के बराबर 66 कर देते हैं। सरल करेंगे तो 10x प्लस x मिलकर के 11x और 10y प्लस y मिलकर 11y इक्वल टू 66, या 11 कामन कर लिए तो ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 66, या x प्लस वाई इक्वल टू 66 बटे 11 और सरल कर ले तो गैर छक्का 66, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और कह रहा है कि जिस संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो दोनों अंक x और y हैं, यदि हम मान कर चलें x बड़ा है अर्थात दहाई का अंक बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में x माइनस वाई इक्वल टू अंतर चूंकि 2 है तो बराबर 2 कर देते हैं, हमारा दूसरा समीकरण बन गया। समीकरण 1 और 2 में यदि देखें तो y के गुणांक समान हैं, चिन्ह भी विपरीत है, इसलिए जोड़ेंगे कट जाएगा, तो x प्लस x मिलकर के 2x और इधर 6 प्लस 2 8
यक्ष बराबर 8/2 अर्थात 4। एक्स के मान को समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में यक्ष के मान को रखने पर यक्ष के मान को रखने पर समीकरण एक में मान रख देंगे तो 4 + y = 6 या y = 6 - 4 अर्थात 2। तो इस प्रकार से संख्या बनी, संख्या बराबर हो जाएगी, संख्या 10x + y थी तो 10 × x का मान 4 + y 2, तो 10 × 4 = 40, 2 = 42, संख्या का मान 42 होगा। और यदि इकाई का अंक बड़ा हो, दहाई का अंक छोटा हो, तो उस स्थिति में संख्या हमारी उलट करके 24 मिल जाएगी। दोनों आंसर सही हैं, 42 या 24। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या द्विघात समीकरण 100x²-20x+1=0 को गुणनखंड विधि से हल करके मूल ज्ञात कीजिए। तो इस दिए हुए द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। समीकरण है 100x²-20x+1=0। देखिए 100 और 1 का गुणनफल 100, 100 के ऐसे खंड करना है कि देख रहे हैं 100 और 1 का गुणनफल कि ये 100 के ऐसे खंड, चूंकि यहाँ प्लस का निशान है तो जोड़ने पर ये मध्य की संख्या प्राप्त हो, अर्थात जोड़ने पर 20 आए। तो 100 के ऐसे खंड 10 × 10, 10 + 10 जोड़ेंगे 20 मिलेगा। तो इस प्रकार से 20 के स्थान पर हम 10 और 10, तो यही समीकरण बन जाएगा। 100x² माइनस लगा है तो दोनों माइनस में हो गए, -10x - 10x+1=0। अब हम दो दो पदों का समूह बनाकर हल करेंगे। पहले समूह से देखें तो 10x कॉमन मिल रहा है, 10x कॉमन कर लेंगे, 10 × 100 तो 10x - 1, और दूसरे से देख रहे हैं 1 मिल जाएगा तो ये भी हो गया 10x - 1। 10x - 1 कॉमन कर लिए, जो बचा उसको अगले ब्रैकेट में कर देते हैं 10x - 1। तो दोनों को क्रमशः यदि हम एक एक बार 0 के बराबर करेंगे, यदि 10x - 1 = 0 तो 10x = 1 या यक्ष बराबर 1/2, 1/10। इसी प्रकार दूसरे में भी 10x - 1 = 0 करते हैं तो यक्ष का मान 1/10। देख रहे हैं दोनों मूल समान मिलते हैं, तो अतः द्विघात समीकरण के अभीष्ट मूल 1/10 और दूसरा भी 1/10 प्राप्त होंगे। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, देखिए दो क्रमागत विषम या सम, दो में से कोई भी कहता है, तो इस प्रकार से हम x और ex+2 मानते हैं। तो माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और ex+2 हैं। प्रश्नानुसार वर्गों का योगफल कह रहा 290 है, तो x² + x+2 का होल स्क्वायर = 290। आप ये होल स्क्वायर तोड़ के सरल करें
एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर माइनस 290 इक्वल टू जीरो। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल करके 2x² प्लस 4x और प्लस 4 माइनस 290, प्लस माइनस घट जाएगा चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 290 से 4 घटाएंगे 286 इक्वल टू जीरो। तो देख रहे हैं दो कॉमन मिल रहा है, दो कॉमन कर लेते हैं तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 × 8 2 × 3 6 इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर जीरो। अब हमको 143 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 2 प्राप्त हो। ऐसे दो खंड 13 और 11 प्राप्त होंगे, 13 और 11 का गुणनफल 143 और घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर जीरो। अब हम दो दो का समूह बनाकर कॉमन करेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन कर लिए तो मिला x प्लस 13 माइनस, दूसरे समूह से देखें तो 11 कॉमन मिल रहा है, 11 कॉमन कर लिए तो ये बचेगा x प्लस 11 एकम 11 और 11 × 33 इक्वल टू जीरो। तो देख रहे हैं x प्लस 13 दोनों में है, x प्लस 13 कॉमन कर लिए तो शेष बचा x माइनस 11 इक्वल टू जीरो। दोनों को एक एक बार जीरो के बराबर करेंगे। यदि x प्लस 13 बराबर जीरो तो x बराबर माइनस 13 जो कि अग्राह्य है क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक की बात किया है, तो ये मान अग्राह्य हो जाएगा। दूसरा लेते हैं यदि x माइनस 11 बराबर जीरो तो x बराबर 11, हमने दो संख्याएं x और x प्लस 2 मानी थी इसलिए पहली संख्या 11 और दूसरी 11 प्लस 2 13, तो ये दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक होंगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है कह रहा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो दिया है दो बिंदु P और Q। मान लेते हैं पहला बिंदु P जिसका निर्देशांक 2-3 और दूसरा बिंदु Q जिसके निर्देशांक 10y हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दी है। तो PQ बराबर 10 मात्रक, PQ इक्वल टू 10। PQ जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो अंडर रूट x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। मान रख देते हैं P ये हमारा x1 y1 है और Q x2 y2। तो मान रख देते हैं अंडर रूट x2 देख रहे हैं 10 दिया है, तो 10-2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस y1 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
इक्वल टू 10 दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। दोनों ओर का वर्ग करने पर दोनों ओर का वर्ग करने पर तो देख रहे हैं 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर 10 का स्क्वायर किए 100। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 और 100 से 64 घटा दिए तो ये हमारा 36 मिल जाएगा। दोनों ओर का वर्गमूल लेते हैं तो y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 6। एक बार प्लस चिन्ह लेकर देखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर y प्लस 3 इक्वल टू 6 या y इक्वल टू 6 माइनस 3 तो y इक्वल टू 3। y का एक मान ये प्राप्त होता है और माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेकर चलेंगे तो y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6 या y इक्वल टू -6 -3 मिल करके -9। तो ये y का दूसरा मान मिल जाता है। तो इस प्रकार से y के अभीष्ट 2 मान मिलते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा 10a+b=1 और 10a-b=1/√3। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए जहां a प्लस बी 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा या उसके बराबर है। तो 10a+b=1 दिया है, 10a+b=1। 1 जानते हैं 10 45 अंश का मान होता है, इक्वल टू 10 45 अंश। इस प्रकार से ए प्लस बी इक्वल टू 45 अंश, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और दूसरा दिया है 10a-b, 10a-b=1/√3। तो 1/√3 जानते हैं 10 30 अंश का मान होता है। तो दोनों ओर से तुलना करेंगे, 10 छोड़ देंगे तो a-b=30 अंश, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब यदि पहला और दूसरा पहले को भी इसी के पास लिख लेते हैं तो पहला था a+b=45 अंश। दोनों में देख रहे हैं b का गुणांक समान है, चिन्ह भी विपरीत है, जोड़ेंगे कट जाएगा। तो a प्लस ए मिलकर के 2a और 45 30 जोड़ दिए 75 मिल जाता है। तो इस प्रकार से a बराबर आ जाएगा 75/2। और सरल करें तो a का मान 2 तिहाई 6 और 2 7 14.25 तो 37.5 अंश का मान ए का मिलेगा। और इस ए के मान को समीकरण एक में अगर रख दें, समीकरण एक में मान रखने पर समीकरण एक में मान रख देंगे, समीकरण एक था a+b, ए के स्थान पर हम 37.5 अंश रख देते हैं, 37.5 अंश प्लस बी इक्वल टू 45 अंश। तो b बराबर मिल जाएगा
45 अंश माइनस 37.5 घटाएंगे तो घटाने पर देखिए 10 से 5 घटा 5.5 और बचा 4, 14 से 7 घटाएं 7 तो 7.5 अंश का मान बी मिलेगा। तो इस प्रकार से ए बराबर 37.5 अंश और बी बराबर 7.5 अंश, तो यही ए और बी के अभीष्ट मान होंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो एक शंकु दिया है जिसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या r का मान है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसकी तिरछी ऊंचाई l निकालेंगे। l बराबर सूत्र है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मान रख लेते हैं h 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस r 3.5, 3.5 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो L बराबर मिलेगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का, देखिए यदि स्क्वायर निकालें तो 3.5 में 3.5 से अगर आप गुणा करते हैं तो इसका मान मिल जाएगा 5 5 25, 5 3 15, 2 17 और 3 5 15, 3 3 9, 1 10। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 5 और 7 5 12, 1 1 2। तो इस प्रकार से 12.25 मान मिलेगा, 12.25। दोनों को जोड़ दें तो 144 प्लस 12.5 मिल करके 0.25 और 4 2 6, 4 1 5, 156.25 मिलता है। तो जिसका वर्गमूल अगर निकाल लें तो फिर ये हमारी तिरछी ऊंचाई L का मान मिल जाएगा। तो L का मान अगर देखें तो 156.25 का वर्गमूल, 156.25 का अगर हम वर्गमूल निकालें, देखिए 156.25 का वर्गमूल निकालते हैं, जुड़ा बनाएं तो पहले तो एक बार जाएगा, इसके बाद अगला जोड़ा उतारें और एक का दूना लिख दिए। अब इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद 2 बार जाता है, 2 ऊपर लिखें यहाँ लिखें तो 22 दूनी 44 घटा लेते हैं 12 और इसके बाद फिर दशमलव के बाद पूरा जोड़ा उतरेगा और दशमलव लग गया। फिर इसके बाद 2 का दूना 4, 2। अब देखेंगे कितने बार जा रहा है ये। अब इसके बाद ये 5 बार चला जाएगा तो 5 5 25, 5 चौको 20, 2 22, 5 दुनाई 10, 10 2 12। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल 12.5 मिलता है। तो 12.5 सेंटीमीटर ये तिरछी ऊंचाई मिल गई। अब हम आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
मान रख देते हैं 1/3 पाई 22/7। आर का मान है 3.5, तो 3.5 × 3.5 × h, h का मान देख रहे हैं 12 दिया है। सरल कर लेते हैं, 3 चौक 12, 7 से काटेंगे, 7 पन्ना 35, तो इस प्रकार से ये मिलेगा 22 × 0.5 × 3.5 × 4। तो गुणा करके इसको सरल करेंगे, तो सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा, देखिए गुणा करके देखते हैं, तो 22 × 5 = 110, यानी 11 मिल गया ये, 11.0 × फिर 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, 2 = 14, 14.0, तो 14 और 11 का गुणा कर दिए, 11 चौक 44 और 11 चार 15, तो 154 cm³ ये शंकु का आयतन मिलेगा, 154 cm³। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न दिया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया है, किरा के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो दो घन, देखिए घन इस प्रकार से दिए हैं और उनको सटा करके, जैसे मान लीजिए पहला घन, ये हमारा पहला घन है, और दूसरा घन इसी से सटा कर रखना है। तो इस प्रकार से दो घनों को, यदि घन की भुजा को हम यक्ष मान लें, तो यक्ष प्लस यक्ष मिल करके 2x, अर्थात पहले घन का आयतन दिया है, घन का आयतन जानते हैं भुजा क्यूब होता है, अगर भुजा हमने यक्ष माना है तो यक्ष का क्यूब, जबकि आयतन 64 दिया है, 64 = यक्ष क्यूब या यक्ष क्यूब = 64 4 का क्यूब होता है, तो यक्स बराबर 4 मिल जाएगा, 4 cm, तो ये घन की भुजा मिली। और दो घनों को सटाकर रखने पर प्राप्त घनाभ, जो घनाभ बनेगा, तो लंबाई 4 + 4 मिल करके 8 cm हो जाएगी, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई देख रहे हैं वही रहेगी, 4 cm और ऊंचाई भी 4 cm, तो केवल ये लंबाई दूनी हो गई। इसे देखें चित्र में, तो x प्लस x मिल करके हमारा ये 2x आ जाता है, x 4 है तो 2x 8 हुआ। अब प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। मान रख देते हैं L 8 है, तो 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, इसको सरल करेंगे, 8 चौक 32 + 4 चौक 16 + 4 = 32, जोड़ लेंगे तो 32 × 64, 64 में 16 और जोड़ना, तो 64 × 6 = 70 + 10 = 80, और 80 में 2 से गुणा कर दिए, तो 80 × 160 cm², तो ये प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार से प्रश्न हल हो जाता है।
थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।